अभी हम मौजूद हैं निशा उपाध्याय जी के भाई साहब हैं मौजूद, यानी कि टिंकू भैया हैं, जो कि इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि छपरा में स्टेज शो के दौरान निशा उपाध्याय को पैर में गोली लग गई है और गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। स्थिति कैसी है, नहीं है, क्या हुआ था उस दिन उस स्टेज शो के दौरान, इन्हीं से कुछ जानते हैं क्योंकि ये भी स्टेज शो के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। भैया, जो घटना हुई है ये कैसे घटना हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो घटना होना था तो वो हो ही गया, हॉर्स फायरिंग के दौरान लगी है, अभी सब नॉर्मल है, गोली निकल गया है पैर से। मतलब हॉर्स फायरिंग के दौरान राइफल से फायर किया गया था या फिर पिस्टल के द्वारा फायर किया? तो नहीं देखे थे हम, राइफल ही चल रहा था, तो पिस्टल भी था राइफल भी था, लेकिन वही में हॉर्स फायरिंग के दौरान छटक के लग गया। कौन से मतलब के शादी कार्यक्रम में थे या फिर कौन से स्टेज? जनेऊ उनेऊ का अथी था, फंक्शन था जनेऊ। अभी उनका स्थिति कैसा है? ठीक है अभी निशा जी, एकदम नॉर्मल है। और मतलब कि फिलहाल उनको कब से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कब वो डिस्चार्ज होंगे? हम लोग 12-1 बजे करीब में यहाँ आए हूँ, चेक हुआ तो अंदर फंसा हुआ था, उसको निकाल दिया गया। गोली निकाल दिया गया? तो अभी मतलब कि उनकी स्थिति कैसी है अभी? अभी आपने हाल चाल उनका जाना? ठीक है, आराम कर रहे हैं। फिर कौन सा गांव की घटना है? छपरा में कुछ जगह पड़ता है, ध्यान पर नहीं। आप लोग स्टेज शो के दौरान जाते हैं या फिर आपकी बहन हो चाहे किसी भी, चाहे कभी पवन सिंह के ऊपर ईंट पत्थर चला दिया जाता है, कभी कलाकारों के ऊपर गोली चला दिया जाता है, कभी गोलू राजा को गोली मार दिया जाता है, क्या आप लोग मतलब अपने सुरक्षा को लेकर जहाँ पर अरेंज कराते हैं स्टेज शो, वहाँ पर आप लोग कुछ सावधानी के लिए आदेश नहीं देते हैं? देते हैं हम लोग, हर जगह कार्यक्रम जहाँ भी होता है पूछते हैं पहले कि प्रशासन से अनुमति है कि नहीं है, जो करवाते हैं वो हर जगह ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग प्रशासन से अनुमति ले कर करवा रहे हैं, वहाँ प्रशासन मौजूद रहेगा, उसी में अपना चल रहा है, उसके बाद हो गया सब, क्या करें। मतलब किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई आदमी का आपने पहचान किया? हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैंने वो मिस्टेक से लगे हैं, मिस्टेक से फर्स्ट फायरिंग के दौरान लगे। हालांकि हमेशा कभी ना कभी सुपरस्टारों के साथ ईंट पत्थर चला दिए जाते हैं, कभी कभी कलाकारों को गोली भी चला दिया जाता है, जो कि हॉर्स फायरिंग कहा जाता है और मजाक मजाक में गोली लग जाती है। यहाँ पर अभी राहुल राज भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा कि ये भी निशा उपाध्याय जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। भैया बताइए कि अभी आप निशा उपाध्याय जी से मिले, कैसे उनकी स्थिति है? बहुत बढ़िया है, नॉर्मल कंडीशन में वो हैं, अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब गोली लग जा रहे हैं कलाकार को, नए घटना नहीं, बहुत पुरानी भी घटना हो चुकी है, तो मतलब इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि कलाकार का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई मजहब होता है, वो सभी के लिए बस मनोरंजन के लिए जाते हैं, ठीक है। और निश्चित तौर पर गलत होता है, जितने भी आयोजन कराने वाले लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूँगा कि आप लोग अगर किसी कलाकार का मनोबल अगर बढ़ाना ही है तो उसे राशि देकर उसके हौसला को बढ़ाइए, कोई हर्ष मतलब फायरिंग वायरिंग ये सब क्या, मतलब ये सब होना ही नहीं चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। इसके पूर्व में भी बहुत सारे कलाकारों के साथ ये घटना हो चुकी है, तो हम जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की घटना ना किया जाए, यही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे। थाना में आप लोगों ने आवेदन दिया है या फिर FIR किया है? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं किया। मतलब कि आगे कुछ कार्रवाई आप करना चाहेंगे या फिर क्या आपकी आगे रणनीति? ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं है लिया गया। तो चलिए, अभी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं जो कि निशा उपाध्याय जी के जो स्टेज शो था, स्टेज शो के दौरान उन पर हॉर्स फायरिंग के दौरान गोली लग गई है। हालांकि ये नई बात नहीं है, बहुत पहले भी गोलू राजा के साथ हुआ था और ना जाने कितने सुपरस्टारों पर गोली चलेंगे। हालांकि बिहार सरकार को देखना होगा कि हॉर्स फायरिंग होती है क्यों ना वैसे वैसे चिन्हित करके उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, वैसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे हॉर्स फायरिंग शादी विवाह में हमेशा होते रहते हैं और लगातार घटनाएं होती रहती है जब तक किसी की जान ना चली जाए। फिलहाल इतना ही और मैं अपडेट देने का प्रयास करूंगा, जो कि अभी निशा उपाध्याय जी के भाई हमारे साथ मौजूद थे और इनसे मैं जानने का प्रयास किया। हालांकि निशा उपाध्याय जी से भी हमारी बात नहीं हो पाई है, निशा उपाध्याय जी से जैसे हमारी बात होगी मैं भी उनका स्थिति जानने का प्रयास करूंगा। उनके भाई भी अभी सहमे हुए हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं या फिर ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।